हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो हीटिंग बेल्ट के बारे में। सो गाइज, पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको पुरानी डिज़ाइन वाला फ्लेमिंगो हीटिंग बेल्ट दिखाया था, लेकिन अब मैंने एक लेटेस्ट मंगवाया है जो आपको दिखा देता हूँ। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस रहता है पुराने वाले में और नए वाले में। इसके साथ ही हम साइज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के साइज़ आते हैं, एक होता है रेगुलर साइज और एक होता है एक्सेल साइज़। तो हम रेगुलर साइज़ भी मेरे पास जो कि पुराने वाला है और एक्सेल जो भी मैंने मंगवाया है, इसमें क्या डिफरेंस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं गाइज, ऑन ऑफ स्विच में चेंजेस हुआ है और एक क्वालिटी में चेंजेस हुआ है। और इसके साथ ही मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था गाइज, लेकिन अमेजोन पे अलग अलग स्टोर है, किसी में 800 का दिखा रहा है तो अपने को लगता है यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, किसी में 900 का, किसी में 1000 का। तो आपको कौन सा लेना है और मैंने कौन से वाले से ऑर्डर किया, वो भी मैं आगे बात करने वाला हूँ ताकि आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिले। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो, यह है अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ, और आपको मैं पुराने वाला भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास पुराने वाला है, और ये है रेगुलर साइज गाइज। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी टूट चुका है गाइज। अब पता नहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी या फिर जेन्युइन नहीं था, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आपको मैं मेन प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं अपन। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने इसको बॉक्स से निकाल लिया, बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं गाइज। तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं और अपने को यहाँ पे एक बिल मिल जाता है अमेजोन की तरफ से, इसको साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी सारा डिज़ाइन और इसके ऊपर फ्लेमिंगो की ब्रांडिंग दी हुई है। और यहाँ पे साइज़ के बारे में बात की जाए तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हो साइज़, यहाँ पे एक्सेल साइज़ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे से, और आपको मैं इसकी MRP के बारे में डिटेल से यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर MRP क्या दी हुई, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे एक्चुअल में। और इसके साइड में भी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई, जो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और इधर भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी। सो यहाँ पे देख रहे हो, अब इसको करते हैं ओपन। सो बॉक्स थोड़ा मुड़ा हुआ सा मिला है, जैसे कि आप देख रहे हो कुरियर वाले ऐसे ही हैं, संभाल के नहीं लाते। और अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बांदर प्रोडक्ट कैसा मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और बॉक्स के अंदर अपने को एक वारंटी कार्ड मिल जाता है अपने को यहाँ पे, जहाँ पे देख सकते हो आप वारंटी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह दी हुई है, कैसे इसको यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हो, और किस क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना, कैसे मोड़ना नहीं, इसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसको भी साइड में रख देते हैं। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट में। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं, बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। अब मेन प्रोडक्ट में अपने को क्या क्या मिला है, जैसे कि आपको मैं बता रहा था गाइज, इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और बहुत काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए हैं इसमें, और मैं चाहता भी था ऐसे चेंजेस हो। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको पुराने वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको भी समझ में आ जाएगा गाइज। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने को क्या क्या मिला है। तो पॉलीथीन से बाहर निकालने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे कवर मिला है इसका, जो कि आपको यूज़ करना है, और इसके अंदर वायर मिली है। और यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी क्या क्या अपने को मिला है। सो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, कितने वोल्ट एम्पियर और सारा डिटेल यहाँ पे दी हुई है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेमिंगो। और अगर आप और भी सोचना चाहते हो कि और भी अलग ब्रांड ले या फिर ये ले, तो मैं रिकमेंड करूँगा यही बेस्ट है गाइज, क्योंकि ये अपने को जिम में या फिर आप वर्कआउट करते या फिर किसी भी तरह का कोई भी पेन हो आपको चाहिए, जरूर हीटिंग की जरूरत पड़ती है, तो आपको यही इसमें ही जाना चाहिए, कोई अदर चीज़ नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि आपको इसमें टेम्परेचर के लिए ये कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है इसमें। सो अब आपको मैं चेंजेस दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लेमिंगो की ब्रांडिंग दी हुई है इस रिमोट के ऊपर, रिमोट के पीछे भी डिटेल दी हुई है कुछ, आप देख सकते हो। और यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए आप देख सकते हो 0 लिखा हुआ है, या ऑन करने के लिए यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन मोड मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अलग अलग मोड पर अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी कम हीट चाहिए ज़्यादा चाहिए, 0 पे ये ऑफ रहता है। और यहाँ पे एक अपने को लाइट मिल जाती है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये लाइट मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है ये ऑन है, अभी तक इसमें पावर सप्लाई हो रही है। और प्लग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो प्लग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, अब अपन प्लग के बारे में बात करते हैं। तो प्लग का आप देख सकते हो, प्लग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, बिल्ड क्वालिटी। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, जो आपको मैं उस पुराने वाले में दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा,
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले अपने को सॉकेट मिलता था कनेक्ट करने के लिए, तार अलग से मिलती थी अपने को, लेकिन अब इन्होंने कनेक्ट करके देने लग गए। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको अपन डी अटैच नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अटैच किया हुआ आगे से मिलेगा आपको। सो अब आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ कि पुराने वाले और इसमें क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको वायर में ही दिखा देता हूँ गाइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वायर क्वालिटी, प्लग की दिखा देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे पहले ये आती थी, सो आप ये देख सकते हो, अब आप प्लग क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है और इससे ज़्यादा अच्छी है ये अभी वाली क्वालिटी में देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका रिमोट, और रिमोट यहाँ पे देख सकते हो आप। सो यहाँ पे आप रिमोट देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा सा है रिमोट, लेकिन इसमें ऑन ऑफ करने के लिए हाथ फिसलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है नीचे करने में, टाइट बहुत है। लेकिन इसके अंदर आपको अलग से मिल जाता है और बहुत ही टाइट नहीं, एकदम आराम से होता है, अलग से ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर लाइट आपको यहाँ पे अंदर मिलेगी जो कि ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है लाइट, अब यहाँ पे जलती नहीं, अंदर से कोई वायर हिल चुकी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, एकदम काफ़ी स्लिम है। यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी मोटा सा है, और ये इसके अंदर यहाँ पे लाइट यहाँ छोटी सी मिलती है जो आपको इंडिकेट करती है कि ऑन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी मुश्किल होता है, नाखूनों से होता है, ऐसे हाथ से होता भी नहीं है, और लेकिन इसके अंदर अपने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना अच्छा मिल जाता है, और ये काफ़ी अच्छा रिमोट है, पतला भी है, और ये काफ़ी अजीब सा लगता है, जैसे ऐसे लगता है कुछ लोकल कुछ यूज़ कर रहे हैं जैसे। और यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने सॉकेट के बारे में बात की थी, यहाँ पे ये डी अटैच मिलता है अपने को, अब ये फंसा हुआ है इसके अंदर। सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे टूट चुका है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पे लगा हुआ था ये ऐसे, तो ये टूट चुका है, जल चुका है, आप देख सकते हो आप जला हुआ पुराने वाला जल चुका है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और ये पतला सा था। सो यहाँ पे इसकी थिकनेस देख सकते हो आप, और इसकी थिकनेस देख सकते हो काफ़ी अंतर है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो काफ़ी, और इसकी देख सकते हो मोटाई, थिकनेस काफ़ी अच्छी थिकनेस है। और साइज़ के बारे में बात की जाए तो मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ इसका। सो ये पुराने वाला है जिसके जो मेरे हाथ में, इसमें भी सारी डिटेल दी हुई है, पहले ऐसे आता था, अब काफ़ी चेंजेस किए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रेगुलर साइज़ छोटा होता है, और यहाँ पे ये है एक्सेल साइज़। सो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर छोटा और सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको हमेशा एक्सेल साइज ही ऑर्डर करना चाहिए, काफ़ी पूरा आपके बैग को कवर करता है और काफ़ी अच्छा रहता है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। और रेगुलर साइज़ में आप देख सकते हो ऑलरेडी क्वालिटी में कुछ सारे आई छोटे छोटे रहते हैं, तो वायर टूटने का या फिर प्लग का जलने का बहुत से डिफरेंस रहते हैं। और आपको किस लिंक से ऑर्डर करना वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ताकि आपको भी जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वहीं से आप ऑर्डर करो, ताकि आपको अमेज़ोन पे अच्छा मिले, क्योंकि अलग अलग अमेज़ोन पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लोग बैठे हैं, तो कुछ लोकल भी देते हैं, कुछ कॉपी देते हैं, तो कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि पुराने वाले में आप देख सकते हो ये रेड कलर के थे और फ्लेमिंगो प्रिंटेड हो रखे हैं इसके ऊपर कवर के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो पर्पल कलर के, ये दो कलर में आता है, ऐसा मत सोचिएगा ये रेड है तो लोकल है या फिर पर्पल लेना चाहिए, आपको कोई भी ले सकते हो आप दोनों में से, दोनों ही जेन्युइन है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी गाइस, जिस मैंने अमेजोन से जहाँ से ऑर्डर किया था पुराने वाला, इस बार किसी अलग सेलर से ऑर्डर किया है मैंने, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किससे किया था मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस कवर को हम कैसे इसको पहनाना है। सो यहाँ पे इस कवर को अपने को पहनाना है इसको, सो यहाँ पे पहनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को अपन चिपका देते हैं। और यहाँ पे बेल्ट को पहनने के लिए अपने को यहाँ पे देख सकते हो आप बटन दिया हुआ है, सो यहाँ पे देख क्लिप कर देते हैं अपन। सो यहाँ पे देख सकते हो ये इलास्टिक है, हर साइज़ के लिए फ्री साइज़ है ये, आप कितने भी किसी भी साइज़ में आप ले सकते हो, पहन सकते हो। तो आपको फिर से बता देता हूँ गाइस, आपको एक्सेल ऑर्डर करना है आप रेगुलर साइज़ नहीं लीजिए, क्योंकि 150 का डिफरेंस रहता है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको यही ऑर्डर कीजिए, तो क्योंकि इसकी एज लाइफ इसकी ज़्यादा है बजाय इसके, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको देख सकते हो आप खुद देख सकते हो इसकी क्वालिटी और काफ़ी अच्छा है।
सो गाइस ये थी कंप्लीट डिटेल। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस आप देख सकते हो कि एक्सेल और रेगुलर साइज में, यह है रेगुलर साइज, यह है एक्सेल साइज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो गाइस मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो उसको, कि कितना क्या प्राइस रहती है, और आपको डिफरेंस देख सकते हो, आप रिव्यू भी देख सकते हो। और मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसके रिस्पॉन्स रहता है, काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट रहता है। और पेमेंट की बात की जाए तो अलग अलग वेरीज़ होता है, और ये लगभग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वहाँ पे आपको इजीली आपको पता चल जाएगी लेटेस्ट इसकी प्राइस क्या चल रही है। सो गाइज ये थी कंप्लीट डिटेल वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। और भी बहुत सारे आपके लिए वीडियो आती रहेगी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।